हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईटेल P55T 5G फ़ोन है, तो आईटेल P55T 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को बंद कैसे कर सकते हैं और कैसे पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को बंद कैसे कर पाएंगे आईटेल P55T 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को कैसे बंद कर सकते हैं और कर पाएंगे आईटेल फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह को कैसे पावर बटन एंड कॉल को ऑफ कर सकते हैं। तो स्पेशल फंक्शंस पे जाना है और जब आप स्पेशल फंक्शंस पे जाते हैं तो जाकर अपने फ़ोन में कैसे फॉन्ट स्टाइल वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं तो बताने वाले हैं। तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है जहाँ से पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को बंद कर सकते हैं। सिंपली सिस्टम कंट्रोल सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही सिस्टम कंट्रोल सेटिंग्स है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी जहाँ से आप पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को बंद कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऑफ कर देंगे तो पावर बटन एंड कॉल ऑप्शन से आपके फ़ोन में बंद हो जाएगा एंड ऑफ हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे और पावर बटन एंड कॉल ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी पावर बटन एंड कॉल ऑप्शन को बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पर जा सकते हैं, बस आपको पावर बटन एंड कॉल ऑप्शन सर्च कर लें, जिससे डायरेक्टली सेटिंग्स पर जाकर यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं पावर बटन एंड कॉल ऑप्शंस को, कुछ इस तरीके से ऑन या ऑफ करके यूज़ कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।